सीधे हरदीप सिंह खाड़िया, आपने तो रिटर्न अग्रीमेंट किया था, आपने तो ये सलाहकार तो आपके लिए भस्मासुर साबित होने वाले हैं। अगर कोई सलाहकार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का कहे कि कश्मीर तो दूसरा देश है, फिर ये भी कहे कि तालिबान देखिए कितना अच्छा है, वहीं से आप सिखों को बचा बचा के ला रहे हैं, अपनी जान बचा के सिखा रहे हैं, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को वहां से लाया गया, खुद सरदार आरपी सिंह लेकर आए और उस तालिबान की तारीफ हो रही है। कि कांग्रेस के सभी लीडर्स ने, सभी वर्कर्स ने एक आवाज में कहा है कि हम इसको कंडेम करते हैं, जो स्टेटमेंट मेरे भाई उनको हटाया क्यों पद से, क्यों पद पर बने हुए हैं। काइंडली सुन लीजिए, आप 10 सवाल पूछे 10 जवाब दूंगा आपको, ज्यादा ही रियल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो एक्स आर्मी है, उन्होंने सर्व किया आर्मी में, हिंदुस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी में उन्होंने कंडेम किया है, हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर हरीश रावत उन्होंने किया है, हमारे एमपीज किसी ने छोड़ा नहीं है कमेंट और कंडेम करना, और मांगा है इसको पार्टी से निकाला जाए। आप बात सुन लीजिए, अदरवाइज मजबूरन मेरे को आपके टाइम में बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो जो इशू है दैट हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट विद, अगर आप उसको लो ऑर्डर ऑफ द प्रोपोर्शन करेंगे, उसको एग्जैजरेट करेंगे, वो हमारा भी टाइम खराब कर रहा है और जनता का भी। जनता के लिए इश्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि 4.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए कोविड की वजह से, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, एजुकेशन जीरो है, एम्प्लॉयमेंट जीरो है, इकोनॉमी जीरो है, जॉब्स नहीं है, गरीबी है यहाँ पे। प्लीज सुन लीजिए, देखिए मुझे फिर आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, मुझे आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे पाऊंगा इसके बाद, मजबूरन आपको बता रहा हूँ मैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं जवान हूँ, मैं ऊंचा बोल सकता हूँ, मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे प्लीज वहां से लेकर के आप मत जाइए। मैं आपसे ऊंचा और आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, मुझे उस साइड पे आप प्लीज मत लेके जाइए। जो गुर्बत है हिंदुस्तान में, जो गुर्बत है हिंदुस्तान में, जो किसानों का हाल क्या है, जो बीजेपी का हाल, जो बीजेपी का हाल है सभी उसको जानते हैं। अरे सीजे साहब ने कह दिया, प्रवक्ता साहब, सीजे साहब ने कहा है कोई डिबेट डिस्कशन आप करते नहीं है, लॉज में क्लैरिटी नहीं है। अरे बीजेपी, अरे आप लोकसभा में बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप अडवाणी साहब को बोलने का मौका नहीं देते हैं, अपने अडवाणी साहब के साथ जो किया हमारे साथ नहीं आप कर सकते। हमारी आवाज अडवाणी साहब जैसी नहीं है, हमारी आवाज अडवाणी साहब जैसी नहीं है, जो आपने अनिल जोशी जी के साथ हमारे साथ एक दूसरे पर मत बोलिए, आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, दोनों की आवाज नहीं पहुंचती है, लेकिन मेरे साथ परविंदर पाल सेठी जी जुड़ गए, स्पोक्सपर्सन अकाली दल, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आशुतोष, क्या सिद्धू आप कांग्रेस के लिए भाजपा से साबित हो रहे हैं कि 600 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, बीजेपी ने एक शब्द नहीं बोला, इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। मैं आऊंगा खालिया साहब, फिर आऊंगा आपके पास, मैं फिर आऊंगा आपके पास। ये बात करते हैं नेशनलिटी खालिया साहब, सिंह साहब प्लीज, आरपी भाई खालिया साहब प्लीज, आशुतोष